हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड गाइस, ये हमारी आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की सोलो सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है एपिसोड नंबर 51। एंड गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है यार, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा मजेदार होगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में जो है हम यहाँ पे स्पाइनो वर्सेस जायगाडोसोरस करने वाले हैं। एंड गाइस, ये जो फाइट है ना, काफी ज्यादा बुरी हुई थी। एंड मैंने ये सोचा नहीं था यार, जायगाडोसोरस जो है हम पे पहली अटैक कर देगा, तो यार बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था। पर उससे पहले जो है ना गाइस, मैं आपको अपने स्पाइनो की आर्मी से मिला देता हूँ, जिन जिन स्पाइनो को हम अपने साथ फाइट में ले जाने वाले हैं। एंड जो जो स्पाइनो हमारे बेस में रहेंगे आगे ब्रीडिंग के लिए। एंड फाइनली गाइस, यहाँ पे हमने अपने रैक्स भी रखे हुए हैं। तो मेरे पास अभी 3 रैक्स है, 2 फीमेल से एंड 1 मेल है, जिनकी हम ब्रीडिंग करेंगे। इनकी भी हमने प्लान कराई कि हम रैक्स की आर्मी बनाएंगे, जिससे जो है ना हम यहाँ पे इस रैक्स की आर्मी से पूरे के पूरे जायगाडोसोरस को किल करने का ट्राई करेंगे। सो अभी जो मेरा प्लान है वो 10 रैक्स ले जाना है वर्सेस 1 जायगाडोसोरस। तो गाइज, वाली फाइट काफी ज्यादा एपिक होने वाली है। एंड उस फाइट के लिए गाइज मेरे को अराउंड 1 से 2 वीक तक वेट करना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, ये रहे हमारे स्पाइनो। तो गाइज, यहाँ पे मैंने 2 स्पाइनो है जो कि मेरे में अराउंड 101 लेवल के हैं, पर इनके जितने स्टैट्स हैं ना गाइज, वो सारे के सारे स्पाइनो से काफी ज्यादा है। तो मैंने डिसाइड करा जो है ना, हम अपने बेस में 101 लेवल वाले मेल एंड फीमेल स्पाइनो को रखेंगे। तो बाकी गाइज, ये रहे हमारे स्पाइनो। एक तो 85 का है एंड ये गाइज हमारा कितना है, 126 लेवल का, जिसकी हेल्थ अराउंड 360 है। एंड जो डैमेज है गाइज, वो हमारे 101 लेवल वाले स्पाइनो से काफ़ी ज़्यादा कम है। सो मैं डिसाइड करा जो हमारे 101 लेवल वाले स्पाइनोज हैं वो हम बेस में रखेंगे। एंड ये जो हमारे जायगाडोसोरस सब फाइट करने वाले 6 स्पाइनो हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से है। वैसे गाइज, हमारे पास स्पाइनो के एग काफ़ी ज़्यादा है, मैं वो सारे के सारे एग्स जो है ना उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारे इस वीडियो में नए एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ गाइज यार चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और गाइज हाँ, आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 100। आई होप गाइज आप लोग 100 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। वैसे गाइज, मैंने आपको अपने स्पाइनोस तो दिखा दिए, अब जो है हम फटाफट से यार रेक्स की ब्रीडिंग करा लेते हैं। उसके लिए मेरे को इनेबल वेंडरिंग ऑन करना पड़ेगा। यार मैं विशल बजा के इनके ब्रीडिंग कराता था, पर यार यहाँ पे ये रैक्स में नहीं हो रहा था। मैं विशल बजा रहा था स्टॉप की, पर ये रैक्स यहाँ पे सब भाग जा रहे थे। तो मैंने डिसाइड करे यार, क्यों ना इनको हम ट्रैप के अंदर बंद करके इनकी ब्रीडिंग ईजिली करा सकते हैं। तो यार यहाँ पर काम तो बन रहा है, तो अभी हमें जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड जैसी गाइज यहाँ पे हमें एग्स वगैरह मिलेंगे ना, तो हम एग्स कलेक्ट करके वो हम फटाफट से रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। और यहाँ पे से गाइज हम निकलेंगे सीधा जायगाडोसोरस को सर्च करने के लिए। ओके गाइज, यहाँ पे कितने परसेंट ब्रीडिंग हुई है वो अभी अपन को देखना है। मैं यहाँ पे विसल्स बजा रहा हूँ स्टॉप होने का। ओके गाइज, यहाँ पे हमें एक एग तो मिल चुका है, तो जैसे दूसरा एग मिलेगा इनकी इनेबल बेंडिंग ऑन करेंगे, एग्स पकड़ेंगे और सीधा से सीधा गाइज ये जो एग्स है हम डाल देंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर। और हाँ गाइज, मेरे में स्पाइनो की भी एग हैं जो कि फर्टिलाइज एग है, सो उनको भी हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार, अगर ये हमारे सारे के सारे स्पाइनो मर गए तो भाई के पास और स्पाइनो कहाँ से आएंगे। तो गाइज टेंशन की कोई बात नहीं यार, अपने पास स्पाइनो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए गाइज, मैंने यहाँ पे एग्स वगैरह तो उठा लिया है, अभी मैं सबसे पहले ये एग्स को जो है ना रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के आता हूँ। वैसे मेरा ये कौन है, गोरिल्ला गाइस, काफी ज्यादा गजब का है। यहाँ पे उतरता हूँ मैं एंड ये एग रख के आता हूँ। तो ये रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर हम एग्स रख लेंगे रैक्स के। तो ये तो स्पाइनो के वैसे ही एग्स है, तो ये तो जरूरत नहीं है। देखो गाइस, ये एग्स है 124 101। तो यहाँ पे जो है ना गाइस, मेरे 101 लेवल वाले स्पाइनो से जो है ना मेल स्पाइनो से सारी की सारी फीमेल स्पाइनो की ब्रीडिंग कराई, क्योंकि गाइस जो हमारा 101 लेवल वाला मेल था ना, तो मेरे पास जितने भी मेल है उनसे काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेट्स थे इसके, तो इसलिए जो है ना हमने इससे ब्रीडिंग कराई। सो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास लगभग पूरे के पूरे 5 रैक्स हो जाएंगे। तो गाइस 10 रैक्स करने एंड जायगाडोसोरस से फाइट करेंगे, देखते हैं गाइस हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो अभी जो है मेरे को फटाफट से यार अपना
पेट्रा देखना पड़ेगा, पेट्रा इधर ही लेके आया था, पर यहाँ पे तो मेरे को कोई भी पेट्रा दिख नहीं रहा है, तो यार पेट्रा किधर है वो देखना पड़ेगा यार, इधर तो मिला नहीं मेरे को। तो चलो यार हम आगे चलते हैं जहाँ पे ब्रोंडो था, मे बी गाइस हमारा जो पेट्रा है वो इधर ही होगा। सॉरी गाइस अभी बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, मेरा मुँह में जो है ना छाले हो चुके हैं तो बोलने में बोला नहीं जा रहा मेरे से यार। ओके गाइस यहाँ पे मेरे को जो है ना अपना पैटर्न और दिख चुका है, तो फाइनली गाइस यहाँ पे से हम लोग निकलते हैं सीधा जैगंटोसोरस को ढूंढने के लिए। तो क्या लगता है गाइस हमें जैगंटोसोरस मिलेगा? तो अभी जो है यहाँ पे से हम डायरेक्टली निकलते हैं वेल्केनो में, क्योंकि गाइस वेल्केनो में काफ़ी ज़्यादा जैगंटोसोरस दिखता है, तो देखते हैं अगर वेल्केनो में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो गाइस हम ऐसे करेंगे ना जो ग्रिफिन माउंटेन से उधर जाएंगे, उधर तो यार 100% मिलेंगे। तो मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से यहाँ पर से निकलता हूँ सीधा वेल्केनो के पहाड़ियों में। तो ओके गाइस यहाँ पे जाना है मेरे को जहाँ पे मैंने स्लीपिंग बैग्स ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं। तो यार फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं वेल्केनो में। तो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे जैगंटोसोरस ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे को लगभग पूरा का पूरा वेल्केनो के चक्कर काटने पड़ेंगे तभी मेरे को पता चलेगा यहाँ पे कोई जैगंटोसोरस है या नहीं है। वैसे यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा रैक्स वगैरह दिखे, पर रैक्स की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यार ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के रैक्स है, सो हम उनकी ब्रीडिंग करा करा के ही जो है ना काफ़ी अच्छे लेवल के रैक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके ये काफ़ी कम लेवल का रैक्स था तो वो तो यार अपन को नहीं चाहिए। यहाँ पे कार्नो है, कार्नो तो कम लेवल का है, एक बार ही लेवल चेकआउट कर लेते हैं, वैसे मेरे को कम ही लेवल का लग रहा था। तो जी हाँ गाइस ये 15 लेवल का था। अरे भाई जैगंटोसोरस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता गाइस मेरे को यहाँ पे कोई भी जैगंटोसोरस दिखने वाला है, तो आपको क्या लगता है क्या हमें यहाँ पे जैगंटोसोरस दिखेगा? चलो एटलीस्ट यार एक बार ही पूरा ट्राई करके देखते हैं, एंड इधर तो कहीं पे भी दिख नहीं रहा है मेरे को, तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्या चीज़ है यहाँ पे? तो मुझे नहीं पता गाइस वो क्या चीज़ थी, तो छोड़िए उसको छोड़ते हैं, अभी आगे निकलते हैं जैगंटोसोरस को ढूंढने के लिए। वैसे इधर तो मेरे को लगता नहीं है मेरे को यहाँ पे कोई भी जैगंटोसोरस दिखेगा, तो ऐसा लगता है मेरे को यहाँ पे से जाना पड़ेगा, पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जल्दी यहाँ पे जो है ना रात हो जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से यार वेल्केनो के ऊपर निकलता हूँ, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे एंड जैसे गाइस यहाँ पे रात हो जाएगा तो मैं जल्द से जल्द सो जाऊँगा एंड डायरेक्टली मिलता हूँ मैं आपको मॉर्निंग में। पर मुझे लग रहा है यार आवाज़ तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्या पता यहाँ पे अगल बगल में हो जैगंटोसोरस। नहीं गाइस नहीं है, तो मैं ऐसे करता हूँ ना फटाफट से यार ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पर जो है ना हम सोकर सीधा जो मॉर्निंग होगी अगली मॉर्निंग में निकलेंगे जैगंटोसोरस को ढूंढने के लिए। तो चलिए गाइस मैं ऐसे करता हूँ ना सीधा चलता हूँ मैं ऊपर। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मेरे को वेल्केनो में तो जैगंटोसोरस नहीं मिला था एंड मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ ग्रिफिन माउंटेन्स में। तो यार यहाँ पे अगर जैगंटोसोरस नहीं मिला तो समझ लीजिए यार अपन को कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। वैसे गाइस नीचे क्या है, कि जैगंटोसोरस है या फिर रैक्स है? तो मैं एटलीस्ट एक बार इसके पास जाकर चेकआउट करता हूँ ये है क्या। तो जी हाँ गाइस ये तो रैक्स है। ओके फाइनली गाइस यहाँ पे मेरे को जैगंटोसोरस मिल चुका है, तो लेवल तो देखो 5 लेवल का जैगंटोसोरस है। तो ऐसे करता हूँ एक काफ़ी ज़्यादा सेफ एरिया में लेके चलता हूँ एंड वहाँ पे गाइस मैं अपने सारे के सारे स्पाइनों को रिक्वेस्ट करूँगा। तो देखते हैं गाइस आज स्पाइनो वर्सेस जैगंटोसोरस। तो एनी गेस गाइस हमारे 6 जैगंटोसोरस 6 स्पाइनो इस जैगंटोसोरस को मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो मैं ऐसे करता हूँ इसको नीचे लेके आता हूँ, अरे आ रहा है मेरे पीछे, नहीं इसको पंगे लेना पड़ेंगे, एक लात मारनी पड़ेगी इसमें तभी ये मेरे पीछे आएगा। अरे किधर गया, इधर ही तो था गाइस वो। ओके ये रहा है भाई, ये भाग किधर रहा है? अरे चचा इधर तो देखो। ओके ये मारा इसमें, अब डेफिनेटली यार ये मेरे पीछे आएगा एंड देखना गाइस दो ही अटैक में जो मेरे पेट्रे की हेल्थ है ना वो लगभग यार 50% हो चुकी है। तो आप लोग यार समझ ही गए होंगे कि जैगंटोसोरस यार कितना गंदा डैमेज देता है।
चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, तो मैं एक एक करके सारे के सारे स्पाइनों को रिक्वेस्ट करूंगा एंड मिलता हूँ मैं आपको डायरेक्टली बाद में। तो यार यहाँ पे मैं अपने सारे के सारे स्पाइनों को रिक्वेस्ट कर रहा था, बीच में गाइस हमारे स्पाइनों के ऊपर जैगंटोसॉरस ने अटैक कर दिया। एंड 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 गाइस देखो अभी जैगंटोसॉरस जो है ना मेरे ऊपर एग्रो है, एंड जैसे ही गाइस मेरे स्पाइनो उसके ऊपर होंगे ना, तो मेरे अभी गाइस 6 के 6 स्पाइनोस नहीं आए थे, ओनली 4 5 स्पाइनो यहां पे आए थे एंड हो चुकी है फाइट स्टार्ट। पर यहां पे गाइस काफी ज्यादा बड़ी गलती हुई कि मेरे सारे के सारे स्पाइनोस जो है ना जैगंटोसॉरस पे एक एक करके अटैक कर रहे थे। अगर 6 के 6 स्पाइनो जो है ना गाइस एक साथ जाते तो तब जाके काफी ज्यादा मजा आता। तो गाइस याली फाइट जो है हमारी टोटली यार वेस्ट गई, तो मुझे काफी ज्यादा दुख है यार अपने स्पाइनों को खोने का। एक एक करके गाइस जो हमारी क्रिकेट टीम है ना वो पत्तों की तरफ बिखर रही है। तो भैया ये तो अपने सारे के सारे स्पाइनों को मार दिया है, तो यार काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। लगता है मेरे एक दो स्पाइनों यहां पे बचे हुए हैं। हाँ बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए, मुझे नहीं लगता यार अपने स्पाइनों बचे हुए यहाँ पे। एटलीस्ट एक बारी मैं दोबारा से जाकर चेकआउट करता हूँ, क्या पता अपने कोई ना कोई स्पाइनो बचा हो। नहीं गाइस सारे के सारे मारे जा चुके हैं। तो यार अब जो है मैं फटाफट से अपने बेस में चलता हूँ, तो मुझे लगता है गाइस क्या बोलते हैं नेक्स्ट ट्राई 20 स्पाइनो वर्सेस जैगंटोसॉरस करें। एनी गैस बताइए गाइस, आप लोग बताइए कुछ ना कुछ तो बताइए, या फिर 10 रैक्स वर्सेस 1 जैगंटोसॉरस करें। तो जी हाँ गाइस फटाफट से मैं यहाँ पे अपने बेस में चलता हूँ, एंड अभी जो है ना मेरे को सबसे पहले करना है यार, काफ़ी ज़्यादा दुखी की बात है कि हमारे सारे के सारे यार स्पाइनो मारे जा चुके हैं यार, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा था। मैं ऐसा करता हूँ फटाफट से अपने बेस में चलता हूँ एंड मेरे पास जितने भी एक्स है ना उनको मैं हैच करने के लिए रख देता हूँ। तो उनको हैच करने के लिए तो यार मेरे को फटाफट से यार अपने बेस में पहुँचने पड़ेंगे। वैसे मेरे पास रैक्स के भी एग हैं, तो हम ऐसे करते हैं ना वो रैक्स के भी एग हैच कर लेंगे, तो तब मेरे पास 5 रैक्स हो जाएंगे। तो यार अगर सारे की सारी फीमेल्स हो ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, पर मुझे लगता नहीं यार अपन के पास फीमेल्स ही होंगी। तो जी गाइस यहाँ पे मैं अपने बेस में पहुँच चुका हूँ, अभी मेरे को चाहिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वुड, तो मेरे को वुड कलेक्ट करना है। अबे भाई तू किधर भाग रहा है, रुक तो जा। लगता है मेरे को अपने पैट्रा को स्टॉप करना पड़ेगा, विसिल बजा के इसको स्टॉप करता हूँ। तो जी हाँ गाइस लगता है वो स्टॉप हो गया होगा। अबे भाई किधर भाग रहा है तू, रुक तो जा। लगता है मेरे को वैसे विसिल बजानी पड़ेगी। ओके गाइस फाइनली यहाँ पे ये स्टॉप हो चुका है। अब जो है ना फटाफट से मैं यहाँ पे जो कैंप फायर लगाई हुई थी एग को हच करने के लिए सारी की सारी कैंप फायर को जलाता हूँ एंड सारे के सारे एग्स में एक एक करके यहाँ पे रख दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना गाइस हमें हमारे पास 5 रैक्स हो जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर बताना यार उन रैक्स को मैं कहाँ पे लेके जाऊँ। वैसे यार अपन लोगों को एक चीज़ और करनी है, मैं सोचा था क्यों ना हम एक मेंटस टीम करें या फिर मैगलोडॉन टीम करें। तो जी हाँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में जो है ना अपन लोग ट्राई करते हैं यार मैगलोडॉन को टेम करेंगे। हाँ मैगलोडॉन को टेम करेंगे, मैगलोडॉन को टेम करेंगे। सबसे पहले जो है ना गाइस जितने भी हमारे पास एग्स है उनको यहाँ पे हैच करने के लिए रख देते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने रैक्स का एग डाल दिया है हैच करने के लिए। अभी मेरे पास 2 रैक्स, 1 रैक्स का एग हो रहे हैं जिसको मैं हैच करने के लिए रख देता हूँ। एक यहाँ पे जो है ना मैं स्पाइनो का एग डालता हूँ। ओके यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखते हैं गाइस, हो जाएगा। चल भाई यहाँ पे तो बैठ जा। तो जी हाँ गाइस अपना काम तो यहाँ पे बन चुका है। अभी मेरे को 2 एग्स मेरे पास स्पाइनों के और हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो 2 कोल्ड, लगता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो ये मेरे को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। 3 कैंप फायर चाहिए उसको एग को हैच करने के लिए, तो यहाँ पे प्लेस करूँगा तो लगभग हो जाएगा। तो जी हाँ गाइस हो चुका है, अब 1 एग बचा हुआ है उसको कहाँ पे प्लेस करना है। तो जी हाँ गाइस यहाँ पे हो चुका है। तो यार अब जो हमें आधे घंटे बाद सारी के सारी यार रैक्स मिल जाएंगे, स्पाइनो मिल जाएंगे। तो आप लोग गाइस और चैलेंजेस दो, नेक्स्ट चैलेंजेस में हमें किस चीज़ का करना चाहिए। मैं वैसे सोच रहा हूँ यार एलोसोरस की भी आर्मी बनाऊँ। तो यार अभी मैं फोकस करूँगा 20 स्पाइनो,
10 एलोसोरस 10 रेक्स ये आर्मी बनाने वाला हूँ एंड मैं जितने भी डायनोज है ना गाइस सारे के सारे डायनोज को किल कर दूंगा। तो देखते हैं गाइस ये रेक्स की आर्मी क्या करेगी। तो चलिए गाइस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो बाय बाय गाइस, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स गाइस फॉर योर लवली सपोर्ट। तो यार नेक्स्ट वीडियो में चैलेंजेस बताइए जरूर।